सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे आईआईटी पलक्कड़, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पलक्कड़ की। तो आईआईटी पलक्कड़ हमारे पलक्कड़ केरला में स्थित गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी। बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की, तो 2023 में इसे 69th एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग मिली है। हर कॉलेज रिव्यू वीडियो की तरह आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो हमारे पास 2023 का प्लेसमेंट डेटा है, जिसमें सबसे पहले आप प्लेसमेंट परसेंटेज देख पा रहे हो। लाइक कंप्यूटर साइंस में 100%, इलेक्ट्रिकल में 81.08, मैकेनिकल में 93.55 और सिविल में 80.77%। मीडियम पैकेज की बात कर ले तो कंप्यूटर साइंस में 18 LPA, इलेक्ट्रिकल में 14.1, मैकेनिकल में 10 LPA, सिविल में 10 LPA। हाईएस्ट पैकेज की बात कर ले तो कंप्यूटर साइंस में 46.16 LPA, इलेक्ट्रिकल में 32 LPA, मैकेनिकल में 46.16 और सिविल में 16 LPA। वहीं बात कर ले एवरेज पैकेज की तो कंप्यूटर साइंस में 21.16 LPA, इलेक्ट्रिकल में 14.77 LPA, मैकेनिकल में 11.6 LPA और सिविल में 10.22 LPA। तो प्लेसमेंट्स के हिसाब से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको आईआईटी पलक्कड़ मिल रहा हो और टॉप 10 NITs में कोई सा भी NIT मिल रहा हो, तो ट्राई करिए कि मैं टॉप 10 NIT ले लूं, अगर आपको खासा कोई IIT टैग के साथ प्रेम ना हो। क्योंकि अगर कैंपस की भी बात कर ले, कॉलेज लाइफ की भी बात कर ले, तो वो भी कुछ खास नहीं है, डिटेल में वीडियो में आगे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो हर IIT की तरह सबसे पहले हम JEE मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे। JEE मेंस में जो रैंक बनता है, अगर JEE मेंस क्वालिफाई करते हो तो JEE एडवांस का एग्जाम दे रहे होंगे, और JEE एडवांस के रैंक के बेसिस पर आपको जोसा काउंसलिंग में कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तुम्हारे पास जोसा 2023 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। लाइक कंप्यूटर साइंस बंद हो गया था 5162 रैंक पर, डेटा साइंस 7108 रैंक पर, इलेक्ट्रिकल 9766, मैकेनिकल 13086 और वहीं सिविल क्लोज हो गया था 16487 रैंक पर। अब आपको हर कैटेगरी, हर ईयर, हर राउंड का कट ऑफ चाहिए तो कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो हमारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल, एमएसपी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। हर IIT की तरह आपका इस IIT में भी ट्यूशन फी 1 लाख पर सेमेस्टर देखने को मिल रहा होगा। लेकिन अगर SC ST कैंडिडेट हो तो कोई ट्यूशन फी नहीं लग रहा, बाकी सारे फी लग रहे होंगे। OBC जनरल कैंडिडेट 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट जमा करते हो, आपके लिए भी कोई ट्यूशन फी नहीं है, बट बाकी सारे फी लग रहे होंगे। OBC जनरल कैंडिडेट 1 से 5 लाख के बीच का इनकम सर्टिफिकेट जमा करते हो, आपका ट्यूशन फी 2/3 माफ रहेगा और बाकी सारे फी आपके भी लग रहे होंगे। इन शॉर्ट, अगर कोई ट्यूशन फी माफ नहीं है, सारा फी देना है, तो हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर आपका 4 साल का बीटेक 10.5 लाख में हो जाएगा। वहीं अगर ट्यूशन फी पूरा माफ है, उस केस में आपका हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर 4 साल का बीटेक सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख तक हो जाएगा। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के ऊपर, मोस्ट अवेटेड टॉपिक। तो सबसे पहले तो इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा कि IIT पलक्कड़ हमारे 2 कैंपसेज से अभी ऑपरेट कर रहा है, एक तो टेम्पररी कैंपस और एक ट्रांजिट कैंपस। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है तो क्लियर कर देता हूं। जो भी हमारे न्यू IITs या फिर जो भी अभी नए नए कॉलेजेस खुल रहे हैं, न्यू IITs हैं, ये सबसे पहले जिस समय इनकी स्थापना होती है, तब उस समय किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज, किसी भी एक लोकेशन में जो ऑलरेडी पहले डेवलप्ड हो, उसे थोड़ा बहुत रेनोवेट करके वहां से काम करना चालू करते हैं, उसे हम टेम्पररी कैंपस कहते हैं। उसी समय इन्हें एक परमानेंट कैंपस अलॉट हो जाता है, और उस परमानेंट कैंपस के एक छोटे से एरिया में इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चालू हो जाता है। उस छोटे से एरिया को, परमानेंट कैंपस के एक छोटे से एरिया को हम ट्रांजिट कैंपस कहते हैं। अब पूरे कैंपस पर काम चालू क्यों नहीं होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को जल्दी जल्दी परमानेंट कैंपस में शिफ्ट करना है। तो अगर आप पूरे कैंपस में करोगे तो या तो कुछ चीज़ यहाँ, कुछ वहाँ बिखरेगा, और अगर सारी चीज़ों को एक साथ करने जाओगे तो बहुत समय लगेगा। तो एक छोटे से एरिया में ही हम पूरे हॉस्टल, एकेडमिक बिल्डिंग, जो भी कुछ बनाना है, फुल रेसिडेंशियल फैसिलिटी, सारी फैसिलिटी देने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही 1, 2 साल, 3 साल, 4 साल में वो बिल्डिंग बनकर कंप्लीट हो जाता है, तो टेम्पररी कैंपस से हम ट्रांजिट कैंपस में शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन फुल शिफ्ट जल्दी नहीं होता, अभी भी जब आपके प्रॉपर सारे फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हो जाते, तब तक टेम्पररी कैंपस का भी कुछ फैसिलिटी यूज कर रहे होते हैं और कुछ ट्रांजिट कैंपस का भी कर रहे होते हैं। किन्हीं कॉलेजेस में फुल शिफ्ट कर देते हैं ट्रांजिट कैंपस में, लेकिन कभी बैलेंस्ड वे में चल रही होती है। तो IIT पलक्कड़ अभी अपने टेम्पररी कैंपस और परमानेंट कैंपस जो 500 एकर्स का है, उसके एक छोटे से पोर्सन 30 एकर्स के लैंड से ऑपरेट कर रहे हैं। अगर थोड़े से और डिटेल में बात करें तो इनका टेम्पररी कैंपस और जो अभी परमानेंट कैंपस का ट्रांजिट एरिया है, उसके बीच में 13 किलोमीटर का डिस्टेंस बताया जाता है। आपका टेम्पररी कैंपस सिचुएटेड है अहलिया इंटीग्रेटेड कैंपस इन कोझीपारा पलक्कड़ में, 20 किलोमीटर फ्रॉम पलक्कड़ सिटी। इस टेम्पररी कैंपस में आपका एकेडमिक बिल्डिंग था, जिसमें सारे क्लासरूम्स थे, सेमिनार रूम, ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस रूम, वर्कशॉप, लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, लेबोरेटरीज, फैकल्टी ऑफिस। इट ऑल्सो प्रोवाइड हॉस्टल एंड स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज विद एक्सेस टू हाई स्पीड इंटरनेट। तो ये तो था टेम्पररी कैंपस। अब अगर हम बात कर ले इनके 30 एकर्स का, जो परमानेंट कैंपस में 30 एकर्स का एक लैंड मिला है,
इसे हम नीला कैंपस कह रहे होते हैं। और इस 30 एकर्स के नीला कैंपस के बारे में और अगर डिटेल में बात कर ले तो कैंपस एज एन एक्सेलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस विच कंप्राइजेज एन ऑडिटोरियम मल्टीमीडिया इनेबल्ड स्मॉल एंड लार्ज क्लासरूम्स स्टूडेंट लेबोरेटरीज लाइब्रेरी कैंटीन एंड फुल्ली वाईफाई इनेबल्ड हॉस्टल्स विद मोबिलिटी इन इंटरनेट एक्सेस द अकेडमिक स्पेस एंड लेबोरेटरी कॉम्प्लेक्स आर नेम्ड समगाथा एंड मनोगाथा रेस्पेक्टिवली। स्टूडेंट्स इन नीला कैंपस आर एकोमोडेटेड इन 3 न्यूली बिल्ट हॉस्टल्स बागेश्वरी बृंदवनी एंड तिलंग। द कंस्ट्रक्शन ऑफ फेज 1 ऑफ द परमानेंट कैंपस इज ऑन गोइंग। तो ये तो बात रही इनके टेम्पररी कैंपस और 405 एकर्स का जो परमानेंट कैंपस है उसके अंदर 30 एकर्स का ट्रांजिट कैंपस नीला कैंपस की बात हुई। अब जितना हमें डेटा मिला है उस हिसाब से जितने भी बीटेक स्टूडेंट्स हैं वो अब नीला कैंपस के अंदर पढ़ रहे हैं और इन्हें कुछ नए हॉस्टल्स भी मिले हैं जिसमें आपको 2 सीटर और 3 सीटर रूम्स की फैसिलिटी अवेलेबल है। हॉस्टल्स नए हैं तो ठीक ठाक हॉस्टल्स बताए जा रहे हैं बट हमें शिक्षा के वेबसाइट पर एक स्टूडेंट रिव्यू मिला जो इस कॉलेज के बारे में 2 बार सोचने पर हमें मजबूर करते हैं। अगर इसे मैं एग्जैक्ट ए टू जेड पढ़ूं तो रिव्यू में लिखा गया है देयर इज अ लैंग्वेज प्रॉब्लम हियर फॉर नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स सिंस द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हियर आर साउथ इंडियंस एंड दे डोंट स्पीक हिंदी यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक फ्रेंड्स हियर बिकॉज ऑफ दैट कॉलेज एंड कैंपस लाइफ आर नॉट गुड देयर आर नॉट मेनी ऑप्शंस टू ईट द नाइट कैंटीन इज ओनली ओपन अंटिल 12 AM देयर आर नॉट मेनी ऑप्शंस फॉर एंटरटेनमेंट इधर द इंस्टीट्यूट इनकरेजेस इनोवेशन एंड प्रोजेक्ट्स द कैंपस इज क्वाइट ग्रीन विलेज और फॉरेस्ट लाइक एंड समवट ब्यूटिफुल बट दैट्स इट देयर्स नॉट मच टू डू हियर आई डू नॉट रिकमेंड दिस इंस्टीट्यूट स्पेशली फॉर नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स अनलेस यू आर इंटरेस्टेड इन हायर स्टडीज रिसर्च और प्रोजेक्ट्स एंड कैन वर्क हार्ड फॉर 4 ईयर्स। तो ये था एक स्टूडेंट रिव्यू जो हमें 2 बार सोचने मजबूर करता है कि कॉलेज लाइफ अभी उतना बेटर नहीं है। और हमने इनका कैंपस टूर भी देखा तो हमने ऐसा देख पाया कि एक प्रॉपर पहाड़ वाला एरिया है तो उसके एक छोटे से एरिया में इनका कैंपस बना हुआ है। और ऐसा नहीं जितना आप भी देखोगे जो भले ही अभी नए नए 2015-2008 में जो भी अभी IITs खुल रहे हैं उनका भी अगर आप ट्रांजिट कैंपस भी देखो तो काफ़ी बड़े बड़े मेगा बिल्डिंग्स मेगा स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। इवन जो आप बोलते हो बिहार उतना बढ़िया एरिया नहीं है उसका भी अगर आप बिल्डिंग देखोगे 2008 में हमारा IIT पटना जितना 2008 के आसपास ही बनाया है उसका भी अगर आप बिल्डिंग्स देखोगे प्रॉपर मेगा स्ट्रक्चर्स बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स देखेंगे। लेकिन इस इंस्टीट्यूट में आपको सिंगल फ्लोर्स के छोटे बहुत बिल्डिंग्स देखेंगे। हॉस्टल्स थोड़ा बहुत बड़ा है, हॉस्टल्स के अंदर वॉशिंग मशीन की फैसिलिटी बताई गई है बट प्रॉपर मुझे IIT लेवल पर नहीं लगा। मतलब एक झलक में मुझे नॉर्थ ईस्टर्न NITs की याद आ गई इस कॉलेज का कैंपस टूर देखकर। तो कॉलेज अभी मुझे बढ़िया नहीं लगा बट देखिए अभी अपने शुरुआती फेज में है तो किसी भी IIT को ग्रो होने में समय लगता है, अभी काफ़ी समय लगेगा जब ये अपने प्रॉपर फुल्ली डेवलप फेज में आएगा। बट फिर भी 2015 में कुछ और कैंपसेज आए जो कि काफ़ी डेवलप हो चुके हैं तो मुझे पता नहीं अभी इन कैंपसेज के साथ क्या दिक्कत है और क्या लेटेस्ट अपडेट है, कुछ काम चल रहा है। और IIT पलक्कड़ से अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो क्या लेटेस्ट अपडेट है, कब तक कैंपस और बढ़िया ग्रो करेगा, क्या नई फैसिलिटीज आने वाली हैं, इसके बारे में अगर आपके पास अपडेट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अगर हम बात कर ले कुछ स्पोर्ट्स फैसिलिटी की तो इन्होंने लिख तो रखा है क्रिकेट ग्राउंड वॉलीबॉल बास्केटबॉल फुटबॉल ये सारी बेसिक फैसिलिटीज बेसिक स्पोर्ट्स अवेलेबल है। लेकिन एक स्टूडेंट ने अगेन लिख रखा है कि प्रॉपर फुटबॉल ग्राउंड अवेलेबल नहीं है, है बट प्रॉपर अवेलेबल नहीं है। तो यही सारी चीज़ें हमें इनके कैंपस लाइफ के बारे में 2 बार सोचने पर मजबूर करती है। और प्लेसमेंट्स भी मुझे उतने कुछ खास नहीं लगे, यानी कि अगर आपको टॉप 10 NITs मिल रहे हैं तो आप IIT पलक्कड़ की जगह उन NITs को कंसिडर कर सकते हो। यही सारी चीज़ें थी, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और किस कॉलेज का आपको रिव्यू चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा और अगर कुछ दिल की बात है कुछ मन बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।